जब फिल्मी सितारों की शादी की बातें होती है तो राज बब्बर और स्मिता पाटिल का भी नाम लिया जाता है। आपको बता दें कि राज बब्बर और स्मिता के प्यार की कहानी का किस्सा किसी फिल्म से कम नहीं था। एक्टर राज बब्बर स्मिता पाटिल से शादी करने के पहले से ही शादीशुदा थे। फिल्मों में आने से पहले ही उनकी शादी मशहूर थिएटर आर्टिस्ट और फिल्म निर्देशक नादिरा से हो गई थी। फिल्म भीगी पलकें के सेट पर राज स्मिता से मिले और उसी वक्त से इन दोनों के प्यार का सिलसिला शुरू हुआ। फिल्म करते वक्त दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गई और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। उस वक्त इन दोनों के अफेयर की खबरें काफी सुर्खियों में थी, पर प्यार से शादी तक का रास्ता इतना आसान नहीं था। राज पहले से ही शादीशुदा थे, साथ ही उन्हें दो बच्चे भी थे। इसी वजह से इन दोनों को काफी विरोध झेलना पड़ा। इंडस्ट्री के लोगों ने भी दोनों की काफी आलोचना की। स्मिता की माँ इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। उन्हें एक शादीशुदा आदमी के साथ स्मिता का रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर राज और स्मिता एक दूसरे के प्यार में इस कदर डूब गए थे कि उन्होंने जमाने की परवाह नहीं की। बस फिर क्या था, जल्द ही राज ने नादिरा को छोड़ दिया और स्मिता से शादी कर ली। राज के इस फैसले से पूरी इंडस्ट्री हिल गई। राज ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं स्मिता से प्यार करता हूँ, नादिरा के साथ खराब रिश्तों की वजह से मैं स्मिता के प्यार में नहीं पड़ा था, ये बस हो गया। स्मिता और राज को एक बच्चा हुआ जिसका नाम प्रतीक रखा गया। प्रतीक के जन्म के बाद स्मिता की मौत हो गई। स्मिता पाटिल के निधन के बाद राज ने नादिरा से फिर शादी कर ली।